शनिचरा मंदिर। हनुमान जी स्वयं लेकर आए थे शनि महाराज को। सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव का नाम सुनकर आम तौर पर लोग सहम जाते हैं। शनि की टेढ़ी चाल से किसे डर नहीं लगता। शनि के क्रोध से सारे देवता थर थर कांपते हैं। कहते हैं कि शनि की कृपा राजा को रंग व रंग को राजा बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़े साथी के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किए जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में शनि देव के मंदिर हैं, पर कुछ शनि मंदिर अत्यंत प्रभावशाली हैं। वहां की गई पूजा अर्चना का शुभ फल प्राप्त होता है। जिला मुरैना मध्य प्रदेश के ग्राम ऐतिम में पहाड़ियों पर स्थित शनिचरा मंदिर एक पौराणिक प्राचीन मंदिर है, जिसके चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस मंदिर में स्थित शनिदेव के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की मुराद को शनिदेव जरूर पूरा करते हैं। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण के सभी महारथी एक एक करके मृत्यु लोक को चले गए थे। तब रावण ने अपनी मृत्यु के भय के कारण सभी ग्रह नक्षत्रों को बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव भी शामिल थे। इस प्रकार रावण की मृत्यु असंभव हो गई थी। तब भगवान श्री राम को बताया गया कि सभी ग्रह नक्षत्रों को रावण ने बंदी बना लिया है, अतः उसकी मृत्यु असंभव है। तब भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने सभी ग्रह नक्षत्रों को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। शादी विवाह, रिंग सेरेमनी व जन्मदिन के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तेराहा, छतरपुर रोड, मऊरानीपुर, झांसी। लंबे समय से कैद में होने के कारण शनि देव काफी कमजोर हो चुके थे। इस कारण शनि देव ने हनुमान जी से विनती की कि वे उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें, जिसके बाद हनुमान जी ने शनि देव को मुरैना स्थित पर्वत पर लाकर छोड़ दिया। शनिदेव जहां पर गिरे, बताया जाता है कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। यह गड्ढा आज भी यहां पर मौजूद है। यहां शनिचरी अमावस्या के दिन विशाल मेला लगता है। भक्तगण यहां तेल चढ़ाते हैं और पहने हुए सारे कपड़े, चप्पल, जूते आदि यहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पाप और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि शनिचरा मंदिर में शनि शक्तियों का साक्षात वास है। बताया जाता है कि नासिक के शनि शिग्नापुर में विराजमान शनि देव की शिला इसी पर्वत से ले जाई गई है, इसीलिए मुरैना से शनि का यह धाम सबसे प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि शनिचरा स्थित शनिदेव मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। सिंधिया शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। रियासतकालीन दस्तावेजों के मुताबिक 1808 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलतराव सिंधिया ने मंदिर की व्यवस्था के लिए जागीर लगवाई थी। तत्कालीन शासक जीवाजीराव सिंधिया ने 1945 में जागीर को जब्त कर यह देवस्थान औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ग्वालियर के प्रबंधन को सौंप दिया था। राधा मेकओवर्स, नीता कॉलोनी, मऊरानीपुर। तब से इस देवस्थान का प्रबंधन मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। वर्तमान में इसका प्रबंधन जिला प्रशासन मुरैना द्वारा किया जाता है। मंदिर में स्थापित शनि महाराज की प्रतिमा विश्व में अन्य कहीं भी नहीं है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट है। प्रतिमा एक ही पत्थर से उकेरी गई है। असल में शनि मंदिर शनि पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत का अपना एक अलग स्थान है।
जिस स्थान पर यह शनि मंदिर है उस स्थान पर एशिया का मध्य बिंदु है। शनि मंदिर परिसर में 5000 साल पुरानी हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमा है जो अलौकिक व परिवर्तनशील है। हनुमान प्रतिमा बाएं हाथ पर पत्थर लिए हुए है। पर्वत पर मंदिर है, मंदिर पर रुद्राक्ष के पेड़ है। हनुमान जी के गले में रुद्राक्ष की माला व कमर में कटार है और पैरों के नीचे एक बालक दल रहा है। बालक कौन है इसके इतिहास की जानकारी किसी को नहीं है। होटल काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। शनि मंदिर में महादेव जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, साथ ही राधा कृष्ण का मनमोहक मंदिर है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री गणपति जी व श्री महाकाली जी के मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। कहा जाता है कि जब से ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में शनिदेव विराजित हुए हैं तब से ग्वालियर क्षेत्र में लौह उत्पादन काफी बढ़ा है। शनिदेव की कृपा और महिमा को देखते हुए यहाँ हर वर्ष शनि जयंती पर विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। मेले में देश भर के श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर के आते हैं जिन्हें शनि महाराज यथासंभव पूरी करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।